दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट किसे कहते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम रखेंगे। तो सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट में काफ़ी लोगों की भ्रांतियाँ हैं उसके बारे में भी बता देते हैं। जैसे कुछ लोग स्टॉक मार्केट को जुआ कहते हैं और कुछ लोग बिजनेस कहते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा कि आपको जो भी स्टॉक मार्केट को लेकर जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है ये भारत की अर्थव्यवस्था को निर्धारित करता है, क्योंकि जो भी भारत की जीडीपी है, जो ग्रोथ है, वो स्टॉक मार्केट से ही चलती है। ये किस प्रकार से चलती है, आज की इस वीडियो में सारी जानकारी हम यहाँ पे लेंगे। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट को समझते हैं कि स्टॉक मार्केट ट्रेड क्या होता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट मतलब कि यहाँ पे स्टॉक को खरीदना और बेचना, ये कहलाता है शेयर बाज़ार। अब शेयर बाज़ार में हम सौदा तभी लगाते हैं जब हमें इसके बारे में जानकारी पता होती है, कंपनी के बारे में पता होता है कि कौन सी कंपनी क्या काम कर रही है। अब अगर स्टॉक मार्केट की मैं बात करूँ तो अगर आप यहाँ पे 10 में से 60 ट्रेड में आप फ़ायदा ले रहे हैं और 3 ट्रेड में आपके नुकसान जा रहे हैं, तो ये कहाँ से जुआ हुआ? ये तो आपका जो आपने प्रेडिक्शन किया उस प्रेडिक्शन के आधार पर यहाँ पे जब आपको पोटेंशियल रिटर्न प्राप्त हो रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो ये जुआ कहाँ से हुआ? जुआ तो उसे कहते हैं जब आपने कोई बिड लगाई और आपने कोई सिक्का उछाला, उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, इसकी आपने प्रोबेबिलिटी लगाई। प्रोबेबिलिटी लगाने के बाद अगर आपका तुक्का सही बैठ गया और या आपका तुक्का गलत बैठ गया, तो वहाँ पे कहलाता है जुआ। अब शेयर बाज़ार को हम समझते हैं कि शेयर बाज़ार क्या होता है। दोस्तों शेयर बाज़ार में अगर देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी लिस्ट होती है, लिस्ट होने के लिए उसको मार्केट से फंड जुटाना होता है। अब कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में क्यों आती है, फंड क्यों जुटाती है, उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। स्टॉक मार्केट में जो कंपनियाँ होती है, सपोज़ मान लेते हैं कि एक कंपनी अच्छा पैसा कमा रही है। सपोज़ एक कंपनी है जो कि आइसक्रीम के बिजनेस से बिलोंग करती है। अब उसने देखा कि उसके सेल्स अच्छी आ रही है, उसको फ़ायदा हो रहा है, उसकी एक ब्रांच है और वो चाहता है कि उसको अपना बिजनेस को बढ़ाना है, तो उसको जैसे कि 100 ब्रांचेस अपनी खोलनी है। तो 100 ब्रांचेस खोलने के लिए वो अपनी जेब से उतना पैसा तो लगा नहीं सकता। इस कंडीशन में क्या करेगा, वो मार्केट से पैसा उठाएगा। अब मार्केट से भी उसको ऐसा पैसा नहीं उठ जाता है, और अगर मार्केट से पैसा उठाना है तो कंपनी के भी हम के बारे में भी मैं बता देता हूँ। कंपनी यहाँ पर दो प्रकार से होती है, एक होती है प्राइवेट और एक होती है पब्लिक। प्राइवेट कंपनी तब तक की होती है जब वो खुद की होती है, लेकिन पब्लिक कंपनी जब होती है जब उसके पास उस कंपनी का कुछ अंश दिया जाता है या कुछ अंश उसके पास पहुंच जाता है। यानी कि अगर मान लो कि एक कंपनी जो आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी है, वो अपने बिजनेस को फैलाना चाहती है और मार्केट से वो पैसा लेना चाहती है, तो क्या करेंगी, वो मार्केट से पैसा लेने के लिए कंपनी पैसे के बदले में कुछ शेयर उसको दे देंगी या वो अपना उसको पार्टनर बना देंगी। पार्टनर बनाने का मतलब ये होता है कि वो अपने शेयर की हिस्सेदारी देना, और शेयर की हिस्सेदारी में देना मतलब कि कंपनी का मालिक बनना। अगर आपके पास कंपनी के कोई शेयर है तो आप उस कंपनी के उतने परसेंट शेयर के मालिक कहलाते हैं। अगर मैं बात करूँ डायरेक्टर की, तो डायरेक्टर का कंपनी के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्टर को यहाँ पर एक सैलरी मिलती है। और अगर बात करें कि जो इन्वेस्टर होते हैं, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कंपनी के मालिक होते हैं और उनको मिलता है डिविडेंड, वो डिविडेंड सब अर्निंग करते हैं। और साथ ही अगर स्टॉक मार्केट के बारे में बताना चाहूँ, जो काफ़ी लोगों को भ्रांति होती है, अगर आपकी कंपनी में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई है, आपकी कंपनी का भाव ऊपर जा रहा है, तो आपको उस शेयर में फ़ायदा होगा, और कंपनी में कोई ख़राब न्यूज़ आई है, स्टॉक का भाव नीचे जा रहा है, तो आपको घाटा होगा। क्योंकि आप यहाँ पे कंपनी के मालिक हो, अगर कंपनी को फ़ायदा होता है तो आपके शेयर का भाव बढ़ेगा, और कंपनी को नुकसान होता है तो आपके शेयर का भाव गिरेगा। ये सिंपल सी भाषा है। अगर मान लो कि कंपनी, इसका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो अपना एक शेयर लेके आती है, अगर मान लेते हैं वो शेयर 10 रुपये के भाव पे लेके आती है, और इसका भाव क्यों बढ़ता है इसके बारे में भी बता देते हैं। कंपनी अपना एक आईपीओ लेके आई, आईपीओ के माध्यम से, जैसे कि हमने एक आइसक्रीम की कंपनी का एग्जांपल लिया था कि उसको अपना बिजनेस को बढ़ाना है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो अपने 100 ब्रांचेस को खोलना चाहता है, उसके लिए वो मार्केट से फंड जुटाना चाहता है, तो वो अपने शेयर देगा, तो इसके लिए एक आईपीओ लेके आता है। और आईपीओ के लिए क्या होता है कि बीच में एक एक्सचेंज होता है। हमारे यहाँ पर अगर बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में दो बड़े एक्सचेंज है, एक है BSE जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, और एक है NSE जिसे हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से जानते हैं। ये एक्सचेंज क्या करता है कि उस कंपनी के शेयर और जो इन्वेस्टर का पैसा, वो बीच में एक्सचेंज करता है। कंपनी के शेयर वो इन्वेस्टर तक पहुँचाता है, और इन्वेस्टर का पैसा लेके वो कंपनी तक पहुँचाता है। तो ये काम करता है एक्सचेंज, बीच में एक्सचेंज उसकी कुछ फीस को काउंट करता है।
तो इस प्रकार से वो शेयर एक्सचेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो शेयर्स हैं, मतलब कि अगर बात करते हैं, एक आइसक्रीम की कंपनी थी जो अपना IPO लेके आई थी और वो अपनी ज़्यादा ब्रांचेज को फैलाना चाहती है, तो उसने एक 10 रुपये का प्रीमियम सेट किया था कि 10 रुपये वो लेना चाहती है। और अब यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उनको लगता है कि ये जो कंपनी है इसका बैलेंस शीट अच्छा है, ऑर्डर बुक अच्छा है, आगे चल के ये और अच्छा ग्रोथ करेंगी और अच्छा यहाँ पे हमें फ़ायदा हो सकता है। तो अब वहाँ पे वो धीरे धीरे करके पैसा लगाने लगती है और पैसा लगाती है तो जो वो शेयर का भाव है वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। अब यहाँ पे शेयर खरीदना या बेचना नहीं होता है, यहाँ पे लगती है बिडिंग और एक होता है ऑफर। बिडिंग मतलब कि यहाँ पे आपको बिड करना होगा, बोली लगानी होती है। अगर आपकी बोली के हिसाब से स्टॉक का भाव ऊपर चले जाता है तो आपको यहाँ पे उस कंपनी में, उस स्टॉक में आपको फ़ायदा होता है। अब जो कंपनी यहाँ पे 10 रुपये का अपना IPO लेके आई थी, उसमें लगा कि IPO के भाव में ये जो शेयर का भाव चल रहा है ये और ज़्यादा एट्रैक्टिव है, और ज़्यादा उनको सस्ता लग रहा है, तो ये धीरे धीरे जो इन्वेस्टर है उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और उससे उसका शेयर का भाव बढ़ते चले जाता है। तो इस प्रकार से जो इन्वेस्टर है वही कंपनी के भाव को बढ़ाते हुए चलता है। तो यहाँ तक कि आपने समझ लिया कि कंपनी IPO क्यों लाती है और पैसा किस प्रकार से काउंट करती है, तो आपने स्टॉक की भाषा यहाँ पे समझ ली। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जुआ क्या होता है, जो लोग इसको जुआ कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने एक इन्वेस्ट किया है पैसा, तो आपका कैपिटल यहाँ पे सेफ है, आपका कैपिटल धीरे धीरे करके ग्रो करते बढ़ेगा। क्योंकि अगर बात करें कि एक समय में आपने देखा होगा कि गोल्ड का भाव एक समय 4000 रुपये के भाव पे था, और आज अगर आप देखो तो गोल्ड का भाव जो है ये 70000 रुपये भी पहुँच चुका है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि FD आप बैंक में करवाते हैं, तो FD के ऊपर आपको एक रिटर्न मिलता है 5% या 6% का 1 ईयर में। और अगर आप LIC लेते हैं, LIC में आप प्रीमियम भरते हैं, तो प्रीमियम में एक LIC आपको बोलती है कि आपको 20 साल बाद आपको 25 लाख की आप दोगे तो आपको 50 लाख या 60 लाख रुपये मिलेगा। तो वो जो LIC है वो भी आपका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है। बैंक में आपने FD बनाई है तो बैंक ने भी आपका पैसा उठा के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया। अगर आप कोई भी कंपनी का म्यूचुअल फंड लेते हैं या बॉन्ड में आप निवेश करते हैं, तो वो सारा पैसा भी जो है वो स्टॉक मार्केट में कंपनियों में निवेश होता है। तो जब सारा पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है, निवेश हो रहा है, तो स्टॉक मार्केट कहाँ से जुआ हुआ, कहाँ से सट्टा हुआ? क्योंकि भारत की जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो स्टॉक मार्केट से चलती है, शेयर बाजार से चलती है, और शेयर मार्केट में जितना पैसा है जो कहीं पे नहीं है, ये आप सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में ही सारा पैसा है, और भारत की GDP भी स्टॉक मार्केट से चलती है। तो जब आप यहाँ पे एक कंपनी का अगर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसका अच्छी खासी ग्रोथ करते हैं, तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद आपको पता होता है कि कंपनी डेप्थ फ्री है या कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, और कंपनी के पास अच्छी ऑर्डर बुक है, वो कंपनी का बैलेंस शीट मजबूत है, और आपने ऐसी कंपनी में एक लंबा लॉन्ग टर्म का व्यू लेके आपने निवेश किया है, तो इसके भाव ऊपर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कुछ स्टॉक के नाम बताता हूँ जो कि सिर्फ एजुकेशन बेसिस पे है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे कि अगर बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करते हैं, ITC की बात करते हैं, कोलगेट की बात करते हैं, ये एक बिजनेस है, ये कंपनी ने एक बिजनेस लगाया है, और बिजनेस आप भी जानते हैं कि आगे चल के बिजनेस बढ़ेगा, आगे चल के बिजनेस ग्रो होगा, बिजनेस कभी घटता नहीं है। जब इन कंपनियों का बिजनेस बढ़ेगा तो इनके शेयर के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, आगे चल के आपको शेयर के प्राइसेस में भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है, कोई अच्छी कंपनीज में आपने निवेश किया है, तो आगे चल के आपको लॉन्ग टर्म में पैसा मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट खास करके कुछ चीज़ों में होता है, FD में होता है, गोल्ड में होता है, और प्रॉपर्टीज़ में होता है। FD में आपको यहाँ पे एक लिमिटेड अमाउंट मिलता है, इससे ज़्यादा अमाउंट आपको थोड़ा बॉन्ड में मिलता है, और उससे ज़्यादा अमाउंट ये गोल्ड में मिलता है, और उससे ज़्यादा आपको अमाउंट जो है ये प्रॉपर्टीज़ में मिलता है अगर आप यहाँ पे निवेश करते हैं। लेकिन इन तीनों चीज़ों से जो सबसे ज़्यादा हमें मिलता है बेनिफिट, या सबसे ज़्यादा हमें जो फ़ायदा मिलता है और सबसे ज़्यादा हमें जो रिटर्न मिलता है, ये मिलता है स्टॉक मार्केट में। अगर स्टॉक मार्केट में आपने अच्छे शेयर्स में निवेश किया है, और आपने ऐसी लार्ज कैप कंपनी में निवेश किया है जिनका बैलेंस शीट स्ट्रांग है और ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ हैं, इनमें निवेश किया है, तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको यहाँ अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे जुआ क्या होता है इसके बारे में भी हम समझते हैं कि कुछ लोग स्टॉक मार्केट में इंटरडे ही ट्रेडिंग करते हैं, एक दिन में ही वो लखपति बनना चाहते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं कि अपने हिस्से से ज़्यादा वो अमाउंट मार्केट में लगा देते हैं। यहाँ से पे अगर देखा जाए तो इंटरडे में क्या होता है कि ब्रोकर की ओर से लेवरेज मिलता है,
उस लेवरेज में अगर मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो आप यहाँ पे 5 लाख रुपए तक के स्टॉक को आप इंट्राडे में बाय कर सकते हैं। जब यहाँ पे बाय करते हैं और आपको जो नुकसान होने वाला है वो सीधे के सीधा 5 लाख रुपए होता है, क्योंकि आपने 1 लाख रुपए का मार्जिन ऐड किया था, उसके भी यहाँ पे 5 लाख रुपए का आपने सामान उठाया था, तो इस प्रकार से आपको वहाँ पे नुकसान हो जाता है। फिर ऐसे लोग जो बिना कोई जानकारी के कोई न्यूज़ चैनल देख लिया या कोई फ्रेंड ने बता दिया कि फलाने स्टॉक को बाय कर लो, इसमें न्यूज़ है ये स्टॉक ऊपर जाएगा, तो अपना कोई भी डाटा का एनालाइज नहीं किया, बिना कोई डाटा का एनालाइज किए हुए कोई थर्ड पार्टी की बात सुन के उन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया इंट्राडे में, तो ऐसे लोग मार्केट में लॉसेस करते हैं। अगर आपने इंट्राडे में आपका टेक्निकल नॉलेज अच्छा है, आपको मूविंग एवरेज का, आपको इंडिकेटर का अच्छा नॉलेज है, अच्छी जानकारी है, तो आप यहाँ पे एक कैलकुलेटेड प्रेडिक्शन करके आप यहाँ पे कैलकुलेटेड अमाउंट यहाँ पे अर्न करते हैं। जब आप यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से अपने डेटा के हिसाब से आप यहाँ पे कुछ इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो ये जुआ कहाँ से हुआ? जिन लोगों की स्टॉक मार्केट को लेके भागते हैं जुआ लेके कि ये जुआ है या बिजनेस है, दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट करके आप बताइएगा कि स्टॉक मार्केट बिजनेस है या जुआ है, आप कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पे मैंने जो भी आपको जानकारी बताई थी स्टॉक मार्केट के रिकॉर्डिंग आपको कैसी लगी वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं और आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ ब्रोकर हाउसेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा के रखी है, जो आजकल डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन हो रहे हैं, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के, आप अपने फ्रेंड सर्कल के डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री आप पोस्ट ओपन करवा सकते हैं। आप आईपीओ में निवेश कर सकते हैं, आईपीओ में निवेश करके आप यहां से अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, और आप इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जिसके लिए मैंने काफ़ी अच्छे ब्रोकर हाउसेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा कर रखी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए स्टॉक बिजनेस के साथ, नमस्कार।